लेकर, क्योंकि पहली बार ये सरकार के अधिकार के क्षेत्राधिकार का ये क्षेत्र था, लेकिन पहली बार सरकार ने का इस पर अधिकार खत्म करते हुए इसको निजी क्षेत्र के लिए खोला गया है। सबसे बड़ा फैसला जो आज आया है कोयला क्षेत्र से, तो शुरुआत करते हैं कोयला क्षेत्र के संबंध में जो घोषणाएं की गई है उसी को लेकर। कोयला क्षेत्र में अब व्यवसायिक खनन यानी कमर्शियल माइनिंग के लिए यहाँ पर शुरुआत हो गई है। साझा राजस्व व्यवस्था की शुरुआत हो रही है जिसके तहत ज्यादा कोयला बाजार के ही दाम पर उपलब्ध हो सकेगा। वहीं कोयला क्षेत्र के ढांचागत विकास के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको पता है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है जिसके तहत ये घोषणाएं की जा रही हैं। वहीं कोयले के गैसीकरण और द्रवीकरण के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और वो इस वजह से है ताकि हमारा देश गैस आधारित व्यवस्था की ओर आगे बढ़ सके। इसी संबंध में ये एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है। इससे आगे हटकर अगर हम खनिज क्षेत्र की भी बात करें, क्योंकि कोयला क्षेत्र और खनिज क्षेत्र दोनों जुड़े हुए हैं, और खनिज क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ये है कि इसमें संयोजित अन्वेषण के साथ साथ खनन और उत्पादन, इन नीतियों को भी साथ मिलाकर आज कहा गया है कि इस तरीके की नीति का बदलाव किया जा रहा है ताकि इसमें अन्वेषण भी आए, खनन और उत्पादन, इसको मिलकर एक कॉम्पोजिट पॉलिसी सामने लाई गई है जो इस क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बड़ी बात जो घोषणा आज की गई है कि 500 खनन ब्लॉक पारदर्शी और खुली नीलामी प्रक्रिया के तहत इनकी नीलामी की जाएगी। और एक और बड़ा फैसला जो किया गया कि बॉक्साइट और कोयला खनन ब्लॉक की संयुक्त नीलामी की जाएगी, और ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इससे आगे हटकर एक और बड़ा फैसला जो आज खनिज क्षेत्र के लिए किया गया है कि कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खदानों का अंतर समाप्त। कैप्टिव खदान वो खदान होती है जो व्यक्ति, जो निजी कंपनियां हैं या निजी व्यक्ति, वो अपने प्रयोग के लिए, निजी कंपनी अपने प्रयोग के लिए उसका इस्तेमाल करती है, लेकिन अब उस अंतर को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही खनन की लीज का भी हस्तांतरण किया जा सकेगा, और जो अतिरिक्त माल उत्पन्न होता है उसको लेकर भी अहम निर्णय किया गया। लेकिन और महत्वपूर्ण बात है कि तर्कसंगत स्टैंप ड्यूटी की बात की गई है, यानी ये तमाम वो संरचनात्मक बदलाव हैं, नीतिगत बदलाव हैं जिससे कि खनिज क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, कोयला क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो कोयला क्षेत्र आज तक सरकार के नियंत्रण में था, अब उसको निजी क्षेत्र के लिए भी खोला गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने कोयला खनिज, रक्षा उत्पादन, सामाजिक बुनियादी ढांचा, विमानन, बिजली वितरण, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा, इन तमाम क्षेत्रों में आज सुधारों की घोषणा की। और उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में उपलब्धता और मूल्य निर्धारण में सुधार के लिए सरकार ने वाणिज्यिक खनन को मंजूरी दी है। कोयला क्षेत्रों के आसपास निकासी के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए 50,000 करोड़ के आवंटन की भी आज वित्त मंत्री ने घोषणा की।